सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास आईफोन है, आप आईफोन यूज़ करते हैं और अपने आईफोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, आप जो है अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम को हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ऐप लाइब्रेरी भी अंदर भी वो एप्लीकेशन देखने को नहीं मिल रही है, ना ही आपको होम स्क्रीन के अंदर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप, ऐप लाइब्रेरी है, यहां पर भी कहीं पर आपको मेरी जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आपको जो है होम स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। अब मैं आपको जाता हूँ, दिखाता हूँ ऐप स्टोर के अंदर, मैंने उसको जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जाने के बाद यहां पर आप, मैं इंस्टाग्राम को सर्च कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई है, डाउनलोड करके रखी हुई है, बट यहाँ पर जो है होम स्क्रीन में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही ऐप लाइब्रेरी में, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब मैंने इसको हाइड कैसे किया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और कैसे उसको अनहाइड करते हैं, हाइड अनहाइड दोनों मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आपको सबसे पहले जाना है अपने ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को सर्च करना होगा। यहाँ पर सर्च बार में आइए, सर्च बार में आने के बाद आपको लिखना है सीएलओ ए के, ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको सर्च करना है, देख सकते हैं यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखाएगी। यहाँ पर मैं आपको पहले अनहाइड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ये मेरी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आ चुकी है, फिर से मैं आपको हाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने हाइड पर क्लिक किया, देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन फिर से यहाँ से चली गई है, होम स्क्रीन और ऐप लाइब्रेरी से। ऐसे उसको हाइड मैंने कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस क्लोक एप्लीकेशन को आपको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा। ऐड ग्रुप पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर चूज़ ऐप पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी की एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी। जैसे मेरी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो सोशल पर क्लिक करता हूँ। यह मेरी एप्लीकेशन जितनी भी हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसको अनचेक कर देते हैं। अब मैं आपको फेसबुक को हाइड करके दिखाता हूँ। फेसबुक पर क्लिक कर दिया मैंने, अब यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप डन पर क्लिक कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर डन लिखा हुआ है, डन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको हाइड देखने को मिलेगा, डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दीजिएगा और आप जाकर चेक करिएगा, आपकी जो फेसबुक एप्लीकेशन है वो भी हाइड हो जाएगी। अब इसको अनहाइड करके दिखा देते हैं आपको। डायरेक्टली क्लोक एप्लीकेशन पर जाते हैं, यहाँ पर आपको अनहाइड पर क्लिक करना है, ऐड ग्रुप है और चूज़ एप्लीकेशन है, और यहाँ से सोशल पर क्लिक करते हैं और इसको अनचेक कर देते हैं और डन कर देते हैं। तो बस यही कुछ आपको करना होगा और आपकी फेसबुक एप्लीकेशन फिर से आपको शो होने लग जाएगी। यहाँ से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को। ये एप्लीकेशन आपको फ़ोन में ही देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह से CAP करके, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द माय, टेक केयर, लव यू ऑल।